इडली ना डोसा सिर्फ दो से तीन चीज़ों से बनेगा, टेस्टिंग और हेल्दी नाश्ता। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाहे तो बारिश के मौसम में भी आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि सुबह के नाश्ता में हम क्या बनाएं बिना तेल के, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना तेल के एकदम टेस्टिंग और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो आज की रेसिपी पसंद आती तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यूनिक स्टाइल में बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं एक कप हम पोहा ले लिए हैं। वो कोई सा भी आप कटोरा चाहे कप एक सेट कर लीजिए, उसी से आप एक कटोरी आप हम ले लिए हैं पोहा। अब छन्नी ले लिए हैं, छन्नी के अंदर हम डाल देंगे। अब डालकर इसे हम तीन से चार पानी से हम धो लेंगे, ताकि इसकी डस्ट वगैरह होगा सो सारा निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको धो लेना है। तो सिंपल घर के सामग्री से बनाएंगे, आपको घरों में आसानी से मिल जाएगी। तो इसे हम पानी में हम इसी तरीके से हम छोड़ देंगे, अच्छे से पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तीन मिनट हम अच्छे से फुला लिए हैं पोहा, और यहाँ पर हम रख ले लिए हैं ग्राइंडिंग जार। अब इसी में हम पोहा हम डाल देंगे। तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है पोहा। तो पोहा जल्दी फूल जाता है, तो हम सारे हम ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे। तो बाइटिंग देने के लिए अब हम डालेंगे, इधर हम सूजी ले लिए हैं। तो इसी बाउल से हम पोहा भी नाप कर लिए हैं, और इसी बाउल से हम सूजी भी एक बाउल हम सूजी ले लेंगे। तो इसी के अंदर हम डाल देंगे। तो सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा वाला चाहे पतला वाला, कोई सा भी आप सूजी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले लिए हैं तीन चौथाई कप हम दही ले लिए हैं। तो दही घर के जमा हुआ है, खट्टी भी दही आप ले सकती हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे। दो हरी मिर्च डाल देंगे, तो तीखा अपना कम बेस कर सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। तो दो चम्मच के करीब हम पानी हम डाल देंगे इसी में, ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, दही डाले हैं, दही से इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट बन जाएगी। तो बेटर के हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, तो हम इसमें पानी हम नहीं ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा के हम पीस लेंगे हम दरदरा। तो हम पूरी इसके हम तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं हम दरदरा पीसे हैं। अब इधर लेंगे हम दो बाउल लेंगे, आधा आधा हम इसमें हम डिवाइड कर देंगे। एक बाउल के अभी बनाएंगे, एक बाउल के हम आगे हम बताऊंगे आपको। तो दोनों बाउल में हम निकाल लिए हैं। तो एक बाउल के हम रखेंगे साइड में, एक बाउल के अभी इधर रखेंगे। अब इसी में हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे यूनिक फूड सॉल्ट, तो हम आधा डालेंगे, आधा हम दूसरे बेटर में हम डाल लेंगे। हम अब हल्का हम डाल देंगे पानी, ताकि एक्टिवेट हो जाएगा अच्छे से। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हम हल्के हाथों से आपको मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ लेंगे एक थाली, अब इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरीके का थाली हम लेंगे, आपके उठा हुआ थाली है, प्लेट है, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं, चाहे इडली मोल्ड है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं, अब इसी में हम सारे बेटर को हम डाल देंगे। अब इस तरीके से हम फैला देंगे अच्छे से, तब देख सकते हैं एकदम फूला फूला एकदम इसकी बेटर हो गया है तैयार। अब इस तरीके के ये बेटर एक तैयार हो गया है। इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे, पानी अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं पानी में उबाल भी आ गया है। स्टीम करने के लिए इधर हम स्टैंड ही रख दिए हैं, आप चाहे तो कटोरा भी रख सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे थाली, अब इसे हम स्टीम कराने से 6 मिनट हम अच्छे से स्टीम कर लेंगे। ऐसे फ्लेम के हम मीडियम टू लो रखेंगे। एक लेयर इसमें स्टीम हो रहा है, तब तक इधर हम आलू के स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। 6 आलू ले लिए हैं, एकदम छोटा छोटा साइज में हम आलू लिए हैं। अब इसे हाथों से हम क्रश कर लेंगे, इस तरीके से हाथों से क्रश कर लेंगे। आप समोसा के आप आलू क्रश नहीं करते हैं, उसी तरीके से मोटा मोटा हम क्रश कर लेंगे। आलू अच्छे से हम मैश कर लिए हैं, नाश्ता के हम कम से कम तेल में बनाएंगे हम। अब इसी में हम डालेंगे हम आधा छोटी चम्मच से कम हम लिए हैं काला नमक, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें डालेंगे रोज़ के खाने वाला नमक, आधा छोटी चम्मच से कम लिए, आप अपना स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है गाइस। अब हम डालेंगे बच्चे के मनपसंद हम शेजवान सॉस ले लिए हैं एक बड़ी चम्मच। इसके जगह आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप
मैगी मसाला भी चाहे पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाद आता है इस नाश्ते में। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, बच्चे तो और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इधर ले लिए कुछ हम सब्जी ले लिए हैं, तो इधर गाजर ले लिए हैं बारीक चप कर लिए हैं, इधर हम शिमला मिर्च ले लिए हैं बारीक चप कर लिए हैं। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा इसमें क्रंच आता है इस नाश्ते में। तो आप अपना मनपसंद सब्जी आप ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा हम धनिया पत्ता हरा हम डाल देंगे इस नाश्ते में। ना प्याज डाले हैं, ना लहसुन, ना अदरक, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। बिना इन सब के डाले हुए बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग बनेगा। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। डालेंगे हम चटपटा फ्लेवर लाने के लिए इधर नींबू के रस ले लिए। इसके जगह आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टफिंग के आप चाहे तो इसे थोड़ा सा आप तेल हल्का डाल दीजिए और जीरा डालकर आप भून भी सकते हैं। बिना भुने भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। तो बिना भुने हम आज हम बना रहे हैं, तो ऐसे भी खाने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है। तो गाइस एक लेयर मेरा तैयार हो गया था, वीडियो पता नहीं अचानक कैसे डिलीट हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो आप एक लेयर स्टीम कर लीजिए, उसके ऊपर आलू के मसाला बना के रखे हैं तो वो आप डाल लीजिए, अच्छे से फैला लीजिए। और फिर बेटर बचा हुआ है उसमें इनियो सोल्ट आप डाल लीजिए बचा हुआ, और डालकर आप उसी के ऊपर आप डाल दीजिए, डालकर आप स्टीम 6 से 7 मिनट आप कर लीजिए। तो इधर मेरा रेडी हो गया है नाश्ता, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इधर हम हल्का ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो पूरी तरीके से इसे हम ठंडा नहीं करेंगे, हल्का हम ठंडा करके फिर हम इसे कट करेंगे। तो हल्का ठंडा हो गया है, अभी से हम पूरी तरीके से ठंडा नहीं किए हैं, अभी से हम नाइफ से हम पिज़्ज़ा के शेप में हम कट कर लेंगे, बच्चे को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम सारे हम कट कर लेंगे। अच्छे से हम कट कर लिए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर एकदम जालीदार बना है, खाने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगेगा। तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो एक ट्विस्ट और आपको देने वाली हूँ, इससे और भी ज़्यादा टेस्टिंग लगेगा। तो इधर हम सारे हम नाश्ते के हम एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। सैंडविच की तरह फ्राई करने के लिए हम इधर हम तवा चढ़ा दिए हैं, और इसी में डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच हम बटर ले लिए। तो आप चाहे तो ऑयल में चाहे घी में भी आप इसे सेक सकते हैं नाश्ता के। तो इस नाश्ते के हम डाल देंगे, या डालकर हम अच्छे से अलग पलट के हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें कलर आ गया है। तो इसी तरीके से सेम हम सारे हम सेक के तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम एक प्लेट में हम निकाल देंगे। खाने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगता है, तो इस तरीके से आप ज़रूर अपना नाश्ता बनाएं। ये सूजी पोहा के नाश्ता इधर रेडी हो गया है, अच्छे से हम इसे सेक लिए हैं बटर में। तो इधर एकदम ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी हो गया है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। इधर हम धनिया के चटनी के साथ हम सर्व कर लिए हैं, आप चाहे तो टमाटो केचप के साथ में भी आप सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है नाश्ता, खाने बहुत ज़्यादा चटपटा एकदम टेस्टिंग लगता है। आप पोहा सूजी का नाश्ता बना है तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी नाश्ता है। तो इधर हम तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बना है। तो चलिए इस रेसिपी को हम एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।